हेलो गाइस, होप यू आर गुड। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर द प्रीवियस स्टैटिस्टिक सीरीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसमें कि हम पूरे डीबीएमएस के सिलेबस को कुछ कुछ वीडियोस में, शायद 6 या 8 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा टारगेट रहेगा इंट्रोडक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। हम ये कवर करेंगे व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक्स, बेसिक डेफिनेशन, और हायरार्किकल नेटवर्क क्या होता है, और रिलेशनल मॉडल्स, उसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हायरार्किकल नेटवर्क्स में रिलेशनल मॉडल्स में क्या डिफरेंस है। और एक और टॉपिक कवर करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन किस चीज़ पे क्या है और कितने टाइप्स का होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ डीबीएमएस, व्हाट इज़ डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्टोरिंग डेटा यूजली कंट्रोल्ड बाई डी बी एम एस। वट डज इट मीन? इट मीन्स डैट कि अगर कोई भी डेटा अगर हमारे पास है, उस डेटा को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा बेस। और अगर इस टाइप के कलेक्शन हमारे पास और हैं, बहुत सारे इस टाइप के कलेक्शन हैं, तो इन सबको मैनेज करने के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए जो प्रोसेस, जो सिस्टम काम आता है, उसे हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिक सा डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में कभी नहीं आने वाला, कि व्हाट इज डेटा बेस एंड व्हाट इज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें भी वही था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डेटा बेस, दिस इज द इंट्रोडक्शन टू डेटा बेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायरार्किकल मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। ओके, चलते हैं, सब पढ़ते हैं इस पर। हायरार्किकल मॉडल यहाँ और रिलेशनल मॉडल, बेसिकली दो तरह के मॉडल होते हैं। हायरार्किकल मॉडल कि डेटा को हायरार्किकल मोड में हमें प्रेजेंट करना होता है, और रिलेशनल मॉडल डेटा को रिलेशनल मोड में। तो देखते हैं क्या होता है। इन हायरार्किकल मॉडल इट इज अ स्ट्रक्चरल मॉडल वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज इन अ ट्री लाइक मॉडल यूजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो जिस नाम से समझ में आ रहा है, हायरार्किकल मॉडल मीन्स ट्री लाइक मॉडल। बेसिकली जो डेटा है वो ट्री लाइक मॉडल में अरेंज रहता है। और रिलेशनल मॉडल, इट इज अ मॉडल वेयर डेटा इज मैनेज्ड एज टपल्स और ग्रुप्ड इनटू रिलेशंस। टपल्स आपको नहीं पता हो तो टपल्स, डेटाबेस की लैंग्वेज में टपल्स बोलते हैं रोज को। ये जो रोज होते हैं, जो रोज होते हैं जितने भी, रोज को टपल्स बोलते हैं, और एट्रीब्यूट्स को कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं डेटाबेस के लैंग्वेज में। तो रिलेशनल मॉडल क्या बोलते हैं, रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, डेटा टपल्स के फॉर्मेट में या टपल्स के ग्रुप, टपल्स के फॉर्म्स में, ग्रुप में अरेंज रहते हैं रिलेशनल में। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, ये पेरेंट, ये उसके चाइल्ड, ये उनके चाइल्ड, और टपल्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। इस तरह के मॉडल को बोलते हैं हम हायरार्किकल मॉडल, और इस तरह के मॉडल को बोलते हैं हम रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में, अब आप थोड़ा डायग्राम देखिए समझ में आ गया आपको, कि अगर हमारे पास एक सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल पेरेंट वन टू मेनी में भी जा रहा है, ये भी वन टू मेनी में जा रहा है, तो ये वन टू मेनी रिलेशन फॉलो करता है। हायरार्किकल मॉडल वन टू मेनी रिलेशन फॉलो करता है, बट रिलेशनल मॉडल क्या वन टू मेनी में जा रहा है? नहीं, इसमें जो वन है वो तो मेनी में जा रहा है। तो रिलेशनल मॉडल फॉलोज वन टू मेनी मॉडल एज वेल एज मेनी टू मेनी मॉडल, दोनों मॉडल फॉलो करता है। हायरार्किकल मॉडल इज लेस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कम होता है, और रिलेशनल मॉडल मोर फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है उसके, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी डेटाबेस में क्या होती है, उसके मतलब क्या होती है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। सो बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज यूज टू मेक सिस्टम इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ रिट्रीवल ऑफ डेटा एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड और बेसिकली डेटा एब्स्ट्रक्शन का सिंपल मीनिंग, इट हाइड इररिलेवेंट डेटा फ्रॉम द यूजर। मींस बेसिकली अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए कि डेटा एब्स्ट्रक्शन होता क्या है, तो जैसे अगर आप एक यूजर हैं, अगर कोई यूजर किसी विंडोज में है, लेट सपोज एक विंडोज में एक वेबसाइट खुली हुई है, इस वेबसाइट में आप सर्व करने जाते हैं, तो आपको इस वेबसाइट में कुछ कुछ चीज़ें दिखती है। आपको जैसे व्हाट्सएप में, इस व्हाट्सएप के विंडो में क्या दिखता है, चैट्स दिखती है सबकी, व्हाट्सएप में ये सब चीज़ दिखती है, पर क्या आपको व्हाट्सएप में उसके कोड्स लिखे दिखते हैं?
कि आपको यहाँ डीपी दिख रहा है, इस डीपी का कोई लोकेशन होगा, कुछ एचआरएफ टैग में कुछ लोकेशन होगा, क्या वो दिखता है? ये जो चैट है उसको सॉकेट डॉट आईओ से कनेक्ट करके हम लोग उसको रियल टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, क्या इसका कोड दिखता है आपको? नहीं दिखता है। तो ये सब कोड जितने भी कॉम्प्लेक्स आइटम्स है ये यूजर से छिपाए जाते हैं। क्यों छिपाए जाते हैं? ताकि यूजर को उनसे कोई मतलब नहीं है, यूजर को मतलब है कि एंड प्रोडक्ट क्या है और उसके किस काम का है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम यूजर से हाइड करके रखते हैं, यानी कि हाइड द इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। क्यों हाइड करते हैं भाई? क्योंकि द मेन रीजन टू हाइड द डेटा इज टू यूज टू मेक द सिस्टम मोर इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ रिट्रीवल ऑफ डेटा और रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम यूजर को सब कुछ ही दिखाने लगेंगे तो उसमें प्रोग्राम काफी बल्की हो जाएगा, और प्रोग्राम में बल्कीनेस से क्या होता है, इफिशियंसी कम हो जाएगी प्रोग्राम की। इसीलिए हम उसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के हेल्प से हम इररिलेवेंट डेटा को हटा के रखते हैं। नेक्स्ट, जैसे किचन, जैसे आप कोई किचन में जाते, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको सिर्फ मेन्यू दिखती है रेस्टोरेंट के, रेस्टोरेंट के मेन्यू दिखता है, कुछ भी मेन्यू होगा, पर आपको क्या पता है कि इसके बैकएंड में क्या चल रहा है, इसी इसके जो किचन है रेस्टोरेंट के किचन में क्या कौन पका रहा है, कैसे पका रहा है, किस कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहा है, कुछ नहीं पता आपको। आपको बस मेन्यू दिखता है कि मेन्यू में क्या है। तो वही है, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी हिडन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। के डेटा एब्स्ट्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया, पर उसके कुछ क्या क्या लेवल्स होते हैं। सो फर्स्ट लेवल इज फिजिकल लेवल, सेकेंड लेवल इज लॉजिकल लेवल, एंड थर्ड लेवल इज व्यू लेवल। क्वाइट सिंपल, सबसे पहले फिजिकल लेवल पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप ये ले सकते हो कि फिजिकल लेवल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, फिजिकल लेवल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट, इट शोज हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है वो बताता है फिजिकल लेवल। आप समझो, फिजिकल मीन्स फिजिकली डेटा कैसे स्टोर होता है, सबसे बेसिक लेवल है। तो कैसे डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, वो वेरियस मेथड्स लाइक सिक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस फॉर्मेट में स्टोर होता है, बी प्लस ट्री के फॉर्मेट में स्टोर होता है, हैशिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है। इन सब चीज़ों में कैसे डेटा स्टोर होता है, इन सब मेथड से हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपको एक डेटाबेस बनाना है, सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपको एक डेटाबेस बनाना है, आपको उसमें नेम का एक वेरिएबल बनाओगे आप, तो उस नेम के वेरिएबल में आप जो डेटा डालोगे वो कितने बाइट्स का होगा, क्या वो 4 बाइट्स का होगा, क्या वो 8 बाइट्स का होगा, क्या वो 16 बाइट्स का होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप मेमोरी को एलोकेट कर रहे हो। मतलब बेसिकली आप सबसे पहला काम कर रहे हो कि वो वेरिएबल कितना मेमोरी लेगा, आप वो एलोकेट कर रहे हो। तो ये एलोकेशन किस में आएगा, ये फिजिकल में आएगा। सबसे बेसिक स्टेप यही होगा ना कि नेम को हम लोग पता है कि नेम कितने मेमोरी का होगा। सो वी आर डूइंग ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज, लाइक कितने KB का होगा कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा कितने KB का होगा, कितने भी बाइट्स का होगा, कितने MB का होगा, एक्सेट्रा, कितने तरह के, कितने उसके साइज हम लोग डिस्कस करें। इट शोज हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। दिस इज नोन एज फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। वॉट इज लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? इट डेटा एब्स्ट्रैक्शन इट स्टोर्स टेबल्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग एंटिटीज। क्या पता है आपको एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज पहले भी नहीं आते हैं, पहले समझते हैं कि लॉजिकल लेवल क्या बोलना चाहता है। लॉजिकल लेवल बताता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज एक एंटिटीज यहाँ पर है, लेट सपोज एंटिटीज का नाम है एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज, और दूसरा एंटिटीज है यहाँ पर डिपार्टमेंट। हम ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो एक हमारे पास आ जाएगा बीच में ER मॉडल आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे कि वर्क्स फॉर, यानी कि एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, ये एक ER मॉडल बन गया। अब इसके एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशन है ये कौन बताता है हमें? ये बताता है हमें लॉजिकल लेवल। मीन्स अभी तक हम कहानी में कहाँ तक थे? पहले कहानी में हम थे कि हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हमने नाम को नेम लिखा, नेम को हम लोग 4 बाइट ने 4 बाइट का स्टोरेज प्रोवाइड किया। ये कहाँ तक प्रोवाइड किया? ये फिजिकल लेवल में प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्या किया, ये जो नेम था ये नेम कहीं स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा ये नेम? ये नेम कहीं स्टोर होगा और इसको यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट विंडो में। तो ये जो रिलेशनशिप हम इसमें यूज कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप कौन से ब्लॉक में यूज करेंगे, कौन से ब्लॉक में यूज करेंगे? लॉजिकल ब्लॉक में। इट मीन्स इट स्टोर्स द टेबल एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द एंटिटीज। लाइक जितने भी फील्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा जितने भी बनते हैं वो लॉजिकल लेवल में बनते हैं। थर्ड एंड द लास्ट लेवल इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज व्यू टेबल। वट इज व्यू टेबल? फर्स्ट पॉइंट, इट इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट ये बन गया, इट इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा बाय द इंडिविजुअल यूजर। यूजर कैन व्यू द डेटा एंड इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम देम। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या होता है, इसमें जो यूजर होता है, लेट सपोज ये अपना कोई विंडो खुला हुआ है इसमें, और हमारे पास एक यूजर है, यूजर को रेड से डिनोट करते हैं, ये अपने पास कोई यूजर है,
ये यूजर क्या करेगा, इस पे इंटरेक्ट करेगा, इस पे हाथ साफ करेगा. लेट सपोज ये फोन की स्क्रीन है, इस पे हाथ साफ कर रहा है यूजर, तो मतलब इससे इंटरेक्ट कर रहा है. तो इससे इंटरेक्ट कर रहा है तो पहले इंटरेक्शन कहाँ जाएगा, इसके इंटरेक्शन के बैकएंड में जाएगा, और बैकएंड में कुछ एक्शन होगा इसके इंटरेक्शन के बेसिस में. तो ये जो यूजर जो विंडो जो देख रहा है, ये यूजर जो व्यू कर रहा है, उस लेवल को बोलते हैं व्यू लेवल. आर यू क्लियर? इज दिस क्लियर? इट मीन्स इट वर्क्स ऑन CLI एंड GUI. व्हाट इज GUI? आपने सुना होगा बचपन में. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड व्हाट इज CLI? CLI मीन्स कमांड लाइन आर्गुमेंट. तो बेसिकली जो यूजर ऑपरेशन कर रहा है, जो इंटरेक्शन कर रहा है विद विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ क्या इंटरेक्शन कर रहा है, और वो इस इंटरेक्शन के बेसिस में हम लोग आगे ऑपरेशन शो कर रहा है, ये ऑपरेशन यूजर को नहीं दिखेगा पर इंटरेक्शन जरूर दिखेगा. दिस इज द व्यू लेवल. दिस इज द व्यू लेवल ऑफ टू एक्सेस द डेटाबेस. नेक्स्ट, दिस इज अ डायग्राम कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. बेसिकली सबसे पहले व्यू लेवल 1, व्यू लेवल 2, व्यू लेवल 3, इसमें इंटरेक्शन जो हो रहा है उसमें क्या क्या दिखेगा यूजर को. यूजर को ये दिखेगा, यूजर को लेट सपोज एक दिखा यूजर को नेम. व्हाट्सएप में क्या होता है, चैट, स्टेटस और एक प्रोफाइल. लेट सपोज तीन यूज दिखे. तो लेट सपोज यूजर ने गया चैट पे, गया चैट में, गया तो चैट में जाकर कुछ कुछ मैसेज किया, और मैसेज कहाँ जाएगा, फिर लॉजिकल लेवल में जाएगा. लॉजिकल लेवल में ऑपरेशन हुआ कि किसको चैट लिखा, तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया कि किसको चैट लिखा. अब चैट में क्या लिखा वो कहाँ दिखेगा, फिजिकल लेवल में, कि कितना लंबा चैट है, मतलब कितना मेमोरी इसमें यूज हुआ, और मेमोरी कहाँ स्टोर हो रहा है, रियल टाइम में कैसा होगा. तो ये फिजिकल लेवल की बात हो गई. तो बेसिकली व्हाट डज डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली अगर मुझे एक लाइन में समझाना हो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को, तो मैं क्या बोलूँगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस किसी भी यूजर से इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, किसी भी यूजर से इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करने को हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं. वन लाइन आंसर. व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? किसी भी यूजर से अगर हमें कुछ भी डेटा को हाइड करना होता है, कुछ भी डेटा मीन्स इररिलेवेंट डेटा जो उसके कोई काम का नहीं है, क्यों हाइड करना होता है, टू प्रोवाइड स्केलेबिलिटी, टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी, टू प्रोवाइड लेस कॉम्प्लेक्सिटी और मेनी मोर रीजंस, तब हम यूज करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ लिया व्हाट इज इंट्रोडक्शन डेटाबेस, इजी. हायरार्किकल नेटवर्क क्या होता है, रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, ये पढ़ लिया. डेटाबेस आर्किटेक्चर पढ़ लिया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ये हम लोग नेक्स्ट सीजन में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. हमें सब कुछ करना है तो हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ करने का, देख सकते हैं आप लोग. नोट्स रेडी है, हम नोट्स रेडी कर रहे थे, थोड़ा उस पर टाइम लग रहा है. बाकी मेरे को लगता है कि पूरा हो जाएगा 2 दिन में. कि अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, थोड़ी पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.